हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम मोगरे के प्लांट के बारे में बात करेंगे। मोगरे के प्लांट की किस तरह से केयर करें, कैसी जगह पे इसको रखें, कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि हमारे मोगरे के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनें और ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलें। तो हमने सबसे पहला काम करना है, अपने प्लांट की मिट्टी को चेक करना है। हमने देखना है कि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश होने के कारण हमारे प्लांट की मिट्टी हार्ड हो जाती है और इसके ऊपर घास भी उग जाती है। तो हमें सबसे पहले घास को निकालना है, जो भी घास एक्स्ट्रा उगी हुई होती है उसको निकाल देना है। घास निकालने के बाद हमें अपने मोगरे के प्लांट की मिट्टी को सॉफ्ट निदाई करनी है। अगर जब हम अपने प्लांट की मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, तो हमारे मोगरे के प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, जिससे कि उसमें बहुत ज़्यादा कलियां बनेंगी और फूल भी ज़्यादा खिलेंगे। दूसरा काम करना है हमें इसकी प्रूनिंग का। तो जब भी हमारे मोगरे के प्लांट में फूल खिल जाते हैं, खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, तो हमें सबसे पहले वो फूल निकाल देने हैं। फूल निकालने के बाद हमें इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। अगर हम सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करेंगे तो इसमें नई ब्रांचेज नहीं आएंगी और ना ही नई कलियां बनेंगी, ना ही फूल खिलेंगे। प्रूनिंग इस प्लांट की बहुत ज़रूरी होती है। प्रूनिंग करने से जो भी न्यू शूट निकलती है उन्हीं के ऊपर कलियां बनती है और उन्हीं के ऊपर फूल खिलते हैं। जो पुरानी ब्रांचेज होती हैं उनके ऊपर ना फूल बनते हैं, ना ही कलियाँ खिलती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इस प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग नहीं करेंगे तो इसमें फूल नहीं आएंगे। अब बारी आती है इसमें फर्टिलाइज़र डालने की। तो जब भी हमें मोगरे के प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना हो तो सबसे पहले इसकी मिट्टी को देखना है। मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट मिट्टी में हमें इसमें 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट एक बार ज़रूर डालना है। वर्मी कंपोस्ट तभी डालना है जब इसकी मिट्टी सॉफ्ट होगी। मिट्टी को सॉफ्ट बनाएंगे, वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट इसमें डालेंगे और ऊपर से इसको मिट्टी से ढक देंगे। ऐसा करने से हमारे प्लांट को नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलती है। और उसके 15 दिन के बाद हमें इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र या बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर ऑनियन पील फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना है। ये दोनों ही फर्टिलाइज़र फूल वाले पौधे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस मोगरे का प्लांट हैवी फ्लावरिंग प्लांट है तो इसको हमें फर्टिलाइज़र भी वैसा ही डालना चाहिए। ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ज़्यादा फूल आएंगे। तो ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र डालना है। अब बारी आती है कि इसको कैसी जगह पे रखना चाहिए। ये जो मोगरे का प्लांट होता है इसको हमें धूप वाली जगह पे रखना चाहिए। इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी इसमें उतने ज़्यादा फूल खिलेंगे। हमें इसको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ इसको 5-6 घंटे की धूप ज़रूर मिले। धूप में रखने के बाद हमें इसकी मिट्टी को भी चेक करते रहना है। जैसे ही हमारे प्लांट की मिट्टी भुरभुरी और सूखी हो, ऊपर से 1 इंच तक ड्राई हो, तो इसमें हमें पानी ज़रूर डालना है। पानी इसमें शाम के टाइम दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर शाम को टाइम ना लगे तो सुबह इसमें पानी ज़रूर देना चाहिए। अगर इसमें पानी की कमी होगी तब भी इसकी पत्तियाँ मुरझाने लगेंगी और फूल और कलियां नहीं बनेंगी। तो मोगरे के प्लांट से अच्छे फूल लेने के लिए इसकी अच्छे से केयर करें, इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करें और इसको धूप वाली जगह पर रखें। सुबह शाम इसमें पानी ज़रूर डालें, लेकिन पानी इसमें उतना ही डालना जितना कि इसकी मिट्टी एब्जर्व कर सके। मोगरे का प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके फूल भी बहुत सुंदर होते हैं। तो अपने मोगरे के प्लांट की अच्छे से केयर कीजिए।